हेलो, जो प्ले ऑफ मैच आएगा वो क्या भाव चल रहा है मार्केट? कौन बोल रहा है भैया? साहिल बोल रहे, छोटा साहिल। टॉस उसका क्या है? ज्यादा रेट उट मिलेगा तो हमको बता भैया, उधर से पैसा निकलवाएं। क्या भाव का बात कर रहे हैं भैया? हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या बात कर रहे हैं? अरे तो हम तो भाव का चल रहा है, कितना मांग रहा है भैया? हम का मांग, हम इसके बारे में नहीं जानते। आप काहे फोन किए हमें? आप लग रहा है कहीं गलत नंबर। तो डर रहा है पुलिस पुलिस का टैपिंग नहीं होगा, चिंता मत कर, खाली भाव बोलना हमको, भाव खोल। अरे आप गलत समझ रहे हैं, आपने गलत नंबर मिला दिया है। आप फोन प्लीज रख दीजिए ना। साला एक नंबर का फट्टू निकला बे। हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहा था। आपके पास क्या कोई छोटा साहिल का फोन कॉल आया था थोड़ी देर पहले, जो आपको बोल रहे थे क्या भाव चल रहा है? हाँ हाँ सर, आया था अभी कुछ देर पहले आया था अभी। तो हो सकता है उनका कॉल दोबारा आपके पास में आए। इस बार जब आपके पास में आए ना, तो आप थोड़ा लंबा उनसे बातचीत कीजिएगा, ताकि हम लोग फाइंड आउट कर पाए कि उनका लोकेशन क्या है। सर हम कहीं फंसेंगे नहीं ना इस सब चक्कर में? अरे नहीं नहीं, आप टेंशन मत कीजिए, पुलिस आपके प्रोटेक्शन के लिए आपको फंसाएंगे नहीं हम। ठीक है सर। हाँ हेलो, कहाँ रे? छोटा साहिल बोल रहे, हमारा आवाज नहीं पहचानी थे। अरे पहचान गए साहिल भाई। तो हमको आप बताओ रेट वेट कहाँ चल रहा है, किसका भाव ज्यादा गर्म है? कलकत्ता का भाव बहुत ज्यादा बड़ा है भाई। क्या नोबल बॉल फेंकी तो आइडिया है? तीसरे ओवर का चौथा बॉल लो जाएगा। तो पक्का खबर जानी तो तीसरा ओवर का चौथा बॉल नोबल तो लगा दे पैसा हम एकदम। किधर से लाई सर खबर? अरे मैं बोल रहा हूँ ना। मैं कौन, नाम तो बोल तेरा। अरे भाई उज्जवल भाई बोल रहे हैं, पता नहीं है क्या? उज्जवल जी थाना से बोल रहा हूँ। साला बैटिंग कर रहा है, तुम इन्फॉर्मेशन दे रहा है तीसरा ओवर का चौथा बॉल, इसका एड्रेस निकाल भाई। किधर में एड्रेस? टॉलीगंज के पास है सर। उज्जवल कितना दिन से चल रहा है तेरा सब धंधा है? नहीं सर ऐसा नहीं है सर, मैं तुम किसको बोल रहा था अभी तीसरा ओवर का चौथा बॉल मेरे पास में इन्फॉर्मेशन है, किसको बोल रहा था तुम? सर इसके पहले मेरे पास फोन आया था, आपने बोला था ना कि बोला। मैंने कब बोला रे? मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। आप सट्टा खेल रहे हो? आपके पापा बैंक में कर्मचारी है, मेहनत की कमाई करते हैं। सर मैं नहीं, और तुम सट्टा खेल रहे हो? सर प्लीज माफ कर दीजिए, मैं माफ। इतना बड़ा रैकेट चला रहे हो तुम, छोटा साहिल वोटा साहिल पता नहीं किससे बात कर रहे हो, अपने बाप का इज्जत मिट्टी में मिलाओगे? साहिल को नहीं जानता सर। अभी तो तुम साहिल से बात कर रहे थे इतना हंस हंस करके। सर इसका डिटेल्स और निकला, चौधरी कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके पढ़ाई करता है। पहले तो उसका नौकरी वाले जगह पे नोटिस भिजवाओ, वहाँ से निकलवाओ इसको। ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। सट्टा खेलेगा मेरे? अब मैं नहीं खेलता सर। अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा था तुम फोन पे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही लोगों को। इसको घर से उठा रहे, घर से उठा, चल गाड़ी निकाल, जीप निकाला है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मम्मी पापा लोग बहुत गुस्सा होंगे फिर अगर सुनेंगे। नहीं नहीं, पापा तो तुम्हारे एकदम गुस्सा नहीं होंगे, पापा को बहुत खुशी होगी जब पापा को मालूम चलेगा कि हमने उनके बेटे को एक्चुअली में मुर्गा बना दिया। आपके पापा ने आपके नाम की सुपारी दी थी आपको मुर्गा बनाने के लिए। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। हाथ पैर कांप रहे थे, मैं क्या बोलूं? पापा सरकारी बैंक में काम करते हैं, लेकिन आदमी बहुत सही है भाई। हेलो जी, आपके पास में एंड दोनों मोबाइल फोन है राइट? हाँ, पर आप कौन? दोनों की जो कस्टमर केयर है उनका हेड बोल रहा हूँ। ओके, नाउ यू नो कि की शादी हो रही है, यानी कि दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह की। हाँ हाँ जी जी, हाँ जी, पता चला। जिन लोगों के पास में एंड दोनों मोबाइल फोन है उन लोगों को मौका मिल रहा है टू अटेंड दी वेडिंग, ये मौका आपको भी मिल सकता है। क्या बात कर रहे हैं, सच में? जी एग्जैक्टली, लेकिन उसके लिए आपको कुछ आसान से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तो हम आपको दोनों तरफ से कुछ सवाल करेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। पहले लड़की वाली की तरफ से, यानी कि की तरफ से सवाल ये है, दीपिका जब क्लास टू में थी तो उनका रोल नंबर क्या था? अरे यार भाई, मतलब क्या ये? नहीं जी, मजाक कर रहे थे आपके साथ में, शादी के माहौल में थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दूसरा आपके लिए सवाल, यानी कि रणवीर सिंह की तरफ से, बैंड बाजा बारात में जो बंदा भोपू बजा रहा था लेफ्ट से तीन नंबर, उसका नाम क्या था? लेफ्ट से तीन नंबर नाम छोड़ी छोड़ी छोड़ी, कोई बात नहीं है आपके लिए। आमिर, आमिर, आमिर। तुक्का नाम आ रहे सर आप। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, यानी कि लड़की वालों की तरफ से। ठीक है, एड में जो दीपिका ने सेल्फी ली है, हाँ? उसमें गर्दन उनकी राइट की तरफ है ना लेफ्ट की तरफ है? अरे यार भाई, मतलब क्या यार सवाल यार? ये तो ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है ना, क्या सवाल है, कैसे बताओ यार इतना। चलिए लड़के वाले की तरफ से, की तरफ यानी कि रणवीर सिंह की तरफ से एक सवाल, तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, टंग 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 टंग। सुना है, सुना है, सुना है। सिंगर बताना है इसका? नहीं, तो इसमें बताना है कि ये जो घंटी है वो लोहे की है ना, पीतल की है ना, कांसे की है? क्यों कर रहे हो मेरे साथ यार आप ऐसा? आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है कि मतलब आप एक आखिर तरफ से और हम लड़की वाले। जी एक आखिर, एक आखिर। ठीक है, लड़की वाले यानी की तरफ से। ओके ओके, लहू मुंह लग गया गाने में, दोनों है रणवीर एंड दीपिका दोनों है, तो जो लहू मुंह पे लगा वो ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है? मजाक बना के रखा है साले, ये ओ पॉजिटिव था। अब बोल, सब से ऐसे ऐसे सवाल पूछा जा रहा है, हो सकता है मुझे लग रहा है तू पिंटू बोल रहा है ना, मस्ती कर रहा है ना साले, हम जानबूझ के दे रहे हैं मस्ती कर रहे हैं। आप जानबूझ करके जवाब दे रहे थे ये जान करके कि पिंटू आपके साथ में मस्ती कर रहा है? हाँ, और नहीं तो क्या, पिंटू की सोच में कोई और ही आपकी लेके निकल लिया भाई। कौन बात कर रहे भाई? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5।
लेकिन वो सही था भाई, बैंड वाले का नाम आमिर है, ये कहां से? हेलो दादा, आपने मिनिसि কাজ করেন? হ্যাঁ কাজ করেন দাদা। দেখতেই তো পাচ্ছি না। কি দেখতে পাচ্ছেন না? অনেক দিন হলো দেখতেই পাচ্ছি না দাদা। আপনি চোখে ডাক্তার দেখিয়ে নিন। না না, আমি কি চোখে আলু নিয়ে ঘুরছি? কি দেখতে পাচ্ছেন না? মানে এত অসুবিধা জিন্দগি মে কি দেখতে পাচ্ছি না, বল না তাড়াতাড়ি। দাদা আপ তো রেগে যাচ্ছেন আপনি। আমার কাজ আছে সকালে। না হ্যাঁ তো কাজ তো আমারও কাজ আছে, আমার কাজের জন্য বেরিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। কি দেখতে পাচ্ছেন না সেটা তো বলবেন। আপনি কেন বললেন মাঝখানে? কিন্তু দেখতে পারছি না দাদা। কি দেখতে পাচ্ছেন না? জো আপ জো বানায়া থা না সুন্দর সা আইসা সিমেন্ট লাগা কে ড্রেনেজ টা আপনি বানিয়েছিলেন তো আমাদের এলাকার। প্রচুর পরিমাণে জল ভর্তি হয়ে গেছে। সেটা আমি কি করবো, সেটা তো উপরওয়ালা বৃষ্টি দিয়েছে। এটা তো আপনারই ভুল দাদা, ড্রেনেজ টা আপনি খারাপ বানিয়েছেন। বারবার ডিস্টার্ব করছে আমার, এই উপরওয়ালা ভুল, আপনি উপরের ফোন করুন। हेलो। अरे आप पागल वागल इंसान है क्या? क्या पागल पागल इंसान है बोल रहे आप? क्या बदतमीजी कर रहे हैं? मेरे जो नीचे में रहता है जो आदमी, वो आपको फोन किया था अभी और आपने उसको बोला कि ऊपर वाला बारिश कर रहा है। अरे वो जो फालतू जो फोन किया था। फालतू क्या, फालतू क्या, आपकी वजह से पता है आपको क्या हो गया? सोसाइटी के पूरे लोग मेरे घर के बाहर आके खड़े हो गए, बोल रहे हैं क्या हर जगह से। अरे दादा ये तो पागल आदमी है। अरे नहीं नहीं, अरे आप लोग छोड़िए हमको। अगर दादा ये लोग तार खून अबे इल्जाम अपना ऊपर आज पे बोले दीची। हम कुछ नहीं किए भाई। अरे 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 यार मारिए मतलब को की होई छे हाथ तोड़ तो दादा। हां হ্যাঁ শিল্পা বলছি। হ্যাঁ দাদা এটা আপনার বুঝতে ভুল হয়েছে। ওটা বিদ্যা ভালো আছে, বাড়ির লোক বলেনি, উপরে ভগবান তার কথা বলেছি। আম তো ফালতু ফালতু মে ইসকো মারওয়া দিয়া। তো দাদা হাত ভাঙনে কা ইনকা হসপিটাল কা খরচা মাং লিজিয়ে আপ ইনসে। অল্প পয়সা মাইনে পাই তো হসপিটাল খরচ কি করে দেবো? আপনি এটা বলুন যে এটা আমার ভুল হয়েছে, আমরা ক্ষমা করে দেবো। এটা আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন। दादा नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा। दादा सोकाल सोकाल मुर्गा। हेलो। जी हमारी बात क्या विकास से हो रही है? हाँ जी जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम अमेरिकन। जी बताइए। आने वाले संडे को अमेरिका में इंटरनेशनल हग डे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। अच्छा अच्छा। आपका नाम हमारे पास में रेफरेंस के थ्रू आया है, सो वुड यू लाइक टू गो एंड विजिट दिस फेस्टिवल? जी बिल्कुल, बताइए। आपकी जो फ्लाइट होगी वो आज रात की होगी एंड आप संडे मॉर्निंग वहाँ पहुँच जाएंगे अमेरिका। तो इसका मतलब कुछ अपने आप से तो कुछ नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं, आपको कोई रुपए वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे जाना है और हग डे आपको सेलिब्रेट करना है। ठीक है, और इंडिया से भी बहुत सारा हग आपको है यहाँ से लेकर के जाना है। लेके जाना है मतलब? देखिए आप अपनी संस्कृति अपना कल्चर वहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुकेगा, एक अपार हुआ हाँ पूरा 4 किलो निकालना। हाँ वो आपको तकरीबन 80 किलो हम लोग यहाँ से अमेरिका तो ले जाना है। हाँ तो एक मिनट रुके, एक बार रुके गफार भाई, क्या हुआ? 250 ग्राम कम हो रहा है। 250 ग्राम कम हुआ, उसको बुलाओ भाई दूसरे वाले को। अरे वो रेल की पटरी पे हंग गया, ट्रेन से कट जाएगा। भैया कौन से रंग के ले जाएंगे? आपका सूटकेस कौन से रंग का ये बताइए पहले। ब्लैक कलर का मेरा सूटकेस है। ब्लैक भैया आज ही चाहिए ना? आज ही चाहिए तो ब्राउन निकालना। ठीक है ठीक है, एकदम भूरा कर देंगे इसको। क्या भैया क्या कर कह रहे हो? ब्राउन ही खा के हग रहे हैं भैया। आपको हग समझते ना टट्टी। हाँ तुम भी आओ, तुम भी आओ, सब लाइन में हो, लाइन में हो। देखिए अभी लाइन से यहाँ पर हगने का कार्यक्रम चल रहा है, तो अभी सारे लोग हगेंगे और जो हग यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है 80 किलो वो आपको ले जाना है आपके साथ में। आपको उससे क्या मतलब है? टट्टी पे थोड़ी हमारा नाम लिखा रहेगा। क्या फालतू की बातें कर रहे हो? वो करना है ब्राउनी खाए अभी 65 रुपए का भूरा हगने के लिए, अब आप हमको इसी गाली दे रहे हैं। हगडे तो यार सेलिब्रेट करने को बोल रहे हो, ये फालतू की बातें लेके बैठ गए। टट्टी आदमी के साथ में तो टट्टी बातें करेंगे ना। उनकी बातें पागल है क्या, यहाँ बैठे हुए हैं हम यहाँ पे मतलब हग डर करके बैग में क्या अमेरिका लेके जाएंगे पगले कहेंगे? अरे गरीब आदमी आपके चलते 80 लोगों का काम होगा यहाँ पर, वो काम पर लगे हुए हैं। अजीत बेवकूफ भैया हमारी बड़ी वाली आत मार रहा है बहुत कर दी। विकास जी क्या सबसे मतलब विकास जी क्या मजा, आप अकेले उठा पाएंगे 80 किलो? अरे आपका तो नाम भी विकास गुहा है।
नहीं आप क्या है ना, लोगों को थोड़ा हक करना पसंद करते हैं ना, कि मतलब कोई भी मिल गया, अरे दोस्त आ जा यार, हक कर ले हक कर ले। तो हमने सोचा आपके साथ में थोड़ा हम भी हक कर ले, समलैंगिक नहीं बे, रेडियो जॉकी आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बना रहे थे। अच्छा भैया 80 नहीं, अभी 4 किलो तो हम लोग दे ही देंगे कम से कम, ले जाओगे? भैया किलो में कैसे देंगे, तो पतला किया सब लीटर में जोड़ दो। गौरव संचेती जी बोल रहा हूँ। आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं आपका साला लगता हूँ, आप मेरे जिया जी लगते हैं। अच्छा? दूर के रिश्ते में। ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब आप इंडिया में और हम बैंकॉक में, दूर है ना बहुत? आ, दूर तो है। 5 साल पहले बैंकॉक आए थे, आपको याद है? आया तो था, बहुत मजा वजा किया था आप लोगों ने जिया जी। बैंकॉक मजे के लिए जाते हैं। एक छोटी सी चीज थी, आप अपनी एक निशानी यहाँ छोड़ के गए। कौन सी निशानी भाई? ये आपकी निशानी है जिया जी, आप यहाँ आए थे, हमारी दीदी से संबंध बनाया था आपने। यार ये क्या बोल रहे हो भाई, साहिल नाम है एकदम आप पे गया जी। जी अबे साहिल में काहिल हो, साहिल साहिल पप्पू पप्पू दी के नी आज नमो नी मासी ना पापा बात। तो आप यहाँ आए थे जी जी, आप जीजा क्या चल रहा है ये? हाँ पापा जी, ये आपको रिश्ता बनाने से पहले सोचना चाहिए था जिया जी। क्या सुनो, एक मिनट, प्यार से बात कर रहा हूँ इतनी देर से, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है? हमारे बात एक मिनट बात कीजिए, बड़ा हो गया है एकदम कोरा चिट्टा और बैंकॉक भाषा भी बोल लेता है वो। सुनो कल फूमता नमो जी पापा, पापा जो पति गिफ्ट 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 कौन पापा कानों को नहीं दे रहा है जीजा जी। देखिए हो गया बहुत, अब आप ले जाइए इसको, कुछ भी बोल दूंगा मान जाऊंगा ऐसे ही। आप करवा लो वो CNA टेस्ट, सॉरी DNA टेस्ट। हमने कोई निशानी नहीं छोड़ी, हम अपनी निशानी अपने साथ ले आए। देखिए बिल्कुल आपके जैसा है। अरे तुम्हें क्या पता कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ? अरे पहले तू जिया जी, ये बिल्कुल आपके जैसा है। बेटा ले जाओ इसका खामका, इधर मैं खा रहा डायमंड अनाज का। बेटा मैं इसका नाना बोलता लो। सारे खानदान लेके बैठोगे? एक बात बताओ संचेती जी, बैंकॉक आए थे मस्ती करने के लिए 5 साल पहले, मान रहा हूँ मैं इस बात को। तो 5 साल पहले ऐसा क्या किया था आपने कि निशानी छोड़ के गए आप? अपनी निशानी कोई नहीं छोड़ी भाई, मैंने निशानी नहीं छोड़ता। अच्छा मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 की तरफ से, और हम आपका यार दिल की धड़कने बढ़ा दिया। हेलो, हाय जी, यू हैड बुक्ड योर टिकट्स फॉर येलो टैक्सी म्यूजिक प्रोजेक्ट इफ आई एम करेक्ट? यस आई हैव। यस सो आप किन का परफॉर्मेंस देखने के लिए आ रही हैं वहाँ पे? वैसे तो सबका, बट आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दर्शन रावल, राइट? बिकॉज़ आई एम अ बिग फैन। सो लेट मी टेल यू, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम दर्शन रावल्स ऑफिस। ओके, एंड दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू। ओके, क्या आप दर्शन से बात करना चाहेंगी? What? Yes. Hello. Because you're the chosen one. Oh my God! Seriously? Yes. Okay. Right. So, मैं फोन ट्रांसफर करने वाला हूँ। I know it's unbelievable, पर आप बात कर सकती हैं, ठीक है? एक सेकेंड, बात कर सकती है किससे? जिनका नाम मैंने लिया उनसे बात कर सकती हैं आप, दर्शन रावल। यस आई एम सीरियस, आई एम सीरियस एंड आई एम ट्रांसफरिंग यू कॉल एंड यू कैन एक्चुअली टॉक टू दर्शन रावल। ओके, आप बात कर सकती हैं, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन, ओके, जस्ट होल्ड ऑन टू योर एक्साइटमेंट एंड वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग योर फोन कॉल। दर्शन लाइन पे बात कर सकती हैं आप। हेलो, हाय, हेलो, आप बात कीजिए। हाय दर्शन जी, I'm such a big fan of yours. I've been following you everywhere and I'm so excited to see you. Hello. आप बात कर सकती हैं। Hi, I hope you're hearing this. Hi. हाँ हाँ आप बोलते रहिए, आप बात कर सकती हैं।
Yeah, so I mean, I this one time I even DM'd you. आपने reply भी किया. I'm such a big fan and I'm so excited. I can't believe I'm talking to you right now. Hello. हाँ आप बात कर सकती है. बोलिए ना. बोलिए. Yeah, so but he isn't saying anything. हेलो. तो हमने तो एक बार भी नहीं कहा ना कि दर्शन बात करेंगे. हमने कहा आप बात कर सकती है, तो आपको जितनी बात करनी है कीजिए. ओह माय गॉड. ओके. दिस इज आरजे प्रवीण फ्रॉम 93.5 रेड एफएम एंड मी एंड नील वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू पुल अ प्रैंक ऑन यू. ओह माय गॉड, यू गाइस आर सो इंपॉसिबल. अरे हाय. अच्छा सीना, इट्स ओके, वी वर जस्ट प्लेइंग अ प्रैंक ऑन यू, इट्स ओके, इट्स डन. लेकिन हमारे साथ ना अभी ऑनेस्टली जो हम कर सकते हैं, जो रेड एफएम की तरफ से मैं और प्रवीण कर सकते हैं, वो जावेद जी लाइन पे है. जावेद जी से बात करा सकते. आपको मालूम है और कौन कौन से आर्टिस्ट वहां पर आने वाले हैं? या जावेद जी, सोलमेट, ओ माय गॉड, आई एम ऑफ कोर्स अ बुक द टिकट्स. लू मजावी है. तो जावेद जी इज ऑन द लाइन, आई कैन टेक हिम ऑन कॉल. वो भी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी, उनसे मैं बात कर रहा हूँ आपकी. आई डोंट बिलीव यू गाइस. ट्रस्ट एनीमोर. बिलीव अस यार, इट्स ओके. वो मजाक कर रहा है ना यार. वो मजाक था यार. हाँ, तो मालूम है हम लोग प्रैंक करते हैं, तो हम लोग प्रैंक ही कर रहे थे. जावेद जी से बात करा सकते, लेकिन हम बात कराएं आपकी. ओके. और मतलब जावेद जी भी बात करेंगे इस बार. ऐसा नहीं है कि आप बात कर सकती है, ठीक है? मैं कनेक्ट कर दूं. मैं कनेक्ट कर दे भाई. जस्ट होल्ड ऑन. ये एक से. बात कर सकती है आप. स्टार्ट करो. हाय हाय जावेद जी. देखिए, जिंदगी है तो फासले हैं, और फासले हैं तो जिंदगी है. ओ माय. हेलो जी, बताइए. जावेद जी सुन रहे हैं? बोलिए बोलिए. This is not fair. This is so. No, देखिए, हमने कहा था जावेद साहब से बात कराएंगे. हमने ये नहीं कहा था कि जावेद अली साहब से बात कराएंगे. यार बैक टू बैक. देखिए ऐसा है. अब हंस रही हो? हंस दी. राइट सर. Because we have pulled a prank on you, you know what we can do for you is, on the day of the event, when you come down, we'll actually make you speak to Javed Ali, Darshan Rao, Luma Jaws, Soulmate and Mame Khan, everyone. सबसे मुलाकात कराएंगे और आपकी पर्सनल पिक्चर करवा के देंगे. मतलब नहीं 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 नहीं. Okay. But thank you so much, यार. I should get this in written actually. ये थोड़ा देखिए, मंजिलें हैं तो हमारे शब्द है, और शब्द है तो यकीन है, यकीन है तो bookmyshow.com पे जाइए एंड बुक योर पासेस राइट अवे फॉर द येलो टैक्सी म्यूजिक प्रोजेक्ट सीजन 2. बजा दे रहो. मिला देंगे यार तुमको, पक्का से याद. ओके. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. हेलो जी. हाँ जी, बोल रहा हूँ. जी हम आपके लोकल काउंसलर की ऑफिस से बात कर रहे थे. जी बताइए. एंड सर, हमने कॉल किया था जस्ट टू कंग्रेचुलेट यू, क्योंकि हमने देखा कि इस लॉकडाउन के दौरान आपने लॉकडाउन के नियमों का सारा पालन किया, और जब जब आप घर से बाहर निकले किसी काम के लिए तो आपने मास्क पहना. अभी आपकी ऑफिस भी चालू हो गई है, तो आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने से पहले आप मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ऑफिस की गाड़ी के हैंडल को सैनिटाइज करते हैं, गाड़ी में बैठ के हाथों को सैनिटाइज करते हैं. हमने सब चीज़ें ऑब्जर्व करी है एंड कमेंडेबल जॉब डन बाय यू सर. थैंक यू सो मच. मतलब देखिए, मैं क्या सबको बोलूंगा कि सब लोग जो है मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहे, और इवन हमारे ऑफिस में भी जो लोग हैं वो प्रॉपर इसका ध्यान रख रहे हैं. मैं तो हर 20 मिनट में हाथ धोते ही रहता हूँ, और बिना मास्क के घर से निकलता ही नहीं हूँ. क्या बात. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. हम ना आज शाम को आपके घर पे तकरीबन 10 मास्क और कुछ सैनिटाइजर की बॉटल वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है ना सर? जरूरत होगी? नहीं सर, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास है. जरूरत है सर, जरूरत है. नहीं नहीं सर, है मेरे पास. अरे मैं बता रहा हूँ सर, जरूरत है. अरे सर, घर मेरा, जरूरत मेरी, मुझे बताना सर. ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे पास. है सर, आपको नहीं सर. मां दीजिए ना जहाँ पे ऐसे. आपको नहीं सर. मतलब आपके पापा को जरूरत है. आपके पापा जो है वो हर दिन सुबह निकलते हैं, कभी सब्जी लाने के लिए, कभी दूध लाने के लिए, यहाँ तक कि आपकी दवाइयां लेने के लिए भी आप नहीं वो घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है? उनके पास शायद मास्क नहीं है, वो हमेशा रुमाल बांध करके रखते हैं, और किसी दिन अगर रुमाल भूल जाते हैं
तो वो अपनी टी शर्ट को ऐसे करके बाहर निकलते हैं। उनकी उम्र हो गई है सर, इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो गई है, पर क्या फर्क पड़ता है ना, बाप है ना, बाप जो होते हैं वो सब कुछ संभाल लेते हैं। आपने अपनी सुरक्षा कर ली, आपने अपनी सुरक्षा के लिए सारी तैयारियां कर ली सर, पर उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा जिसने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया था। ठीक है, जब आपको सर्दी लगती थी तो रात भर आपके सीने पे वो मलहम लगाते थे, आपको अपने सीने पे लिटाते थे ताकि आपका सीना गर्म रहे। वो चाहते हैं कि आप कामयाब हों, लेकिन आपकी कामयाबी देखने के लिए वो जिंदा भी तो रहने चाहिए ना सर। मैं कह रहा हूं सर, देखो अब अगर ख्याल नहीं रखोगे ना तो कब ख्याल रखोगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो ना कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं, है ना जी सर, कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं कि उनको भी चाहिए, उनको भी जरूरत है। वो घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए बहुत रिस्क है ना सर। आई होप कि आप समझ पाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन का वीडियो बनाया जो मैं अपलोड भी करना चाहता हूँ लेकिन आपकी परमिशन के साथ में, और आपके नाम को मैं बीप कर दूंगा ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं किनसे बात कर रहा था, लेकिन ओनली इफ यू गिव मी परमिशन देन ओनली आई विल डू इट। नहीं सर, सही बात है, शायद जो गलती मुझसे हुई है वो किसी और से ना हो तो हाँ प्लीज आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एंड आई अंडरस्टैंड, सॉरी, एंड आई होप आप करेंगे जो आपने कहा। बिल्कुल सर, मैं अभी इस बात का ध्यान रखूंगा सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो गाइज, पीपल दोज आर वॉचिंग द वीडियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज दैट यू नो कि वो आपको बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। बचपन में आपके बिना बोले वो आपकी सारी बातें समझ जाते थे, अब बारी आपकी है कि उनके बिना बोले आप उनकी सारी बातों को समझें। हेलो हेलो विवेक जी। हाँ विवेक जी, सतीश जी के लड़के की शादी है, आपको याद ही होगा, पता होगा आपको लिखवानी थी। हमको लिखवानी पेन पेपर? जी 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 सर, हाँ पेन मिल गया, बताओ लिखिए सर। PNR क्या? PNR जी 5689 5689 2 5 2 5 7 8 7 8 6 0। सर ब्रैकेट में लिखिए नंबर 5657 ब्रैकेट 56 फिर कॉमा है, 56 के बाद कॉमा है, फिर 57 है, फिर RAC PNR। तुमका ट्रेन में बैठा रहे हो क्या? नहीं 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 सर, ये एक्चुअली क्या ना, आपको मालूम है न्यू नॉर्मल के हिसाब से 50 लोगों को शादी में इनवाइट किया जाता है ना सर, तो सतीश जी ने प्रायोरिटी लिस्ट दी थी, प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार आप उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 50 लोगों में नहीं आ पाए, आप 5657 में है अभी आपका नंबर, और RAC रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब 50 लोगों में अगर कोई कैंसिल होगा ना सर तो फिर आपको आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब 52, 53, 54 ऐसे चला जाएगा, और अगर 50 में हो पाया तो फिर आप शादी में आ पाएंगे सर। मतलब सतीश से तो हमारी 20 साल की दोस्ती चल रही है, इस तरीके से काम करा रहे हो तुम लोग, गजब। सतीश हमको भूल गए, हम उनके अम्मा के लिए टिफिन लेके जाया करते थे हॉस्पिटल में जब एडमिट थी तब, तो 56 पे डाल दिया हमको, भाई भाई बोलता था सर। आप 56 में, आपकी बीवी 57 पे है। अरे अपनी ना, मैं जाऊंगा ना मेरी बीवी जाएगी, 56 57 डाल दिया हमको सर। एक मिनट सर, कोई लेटेस्ट अपडेट है सर, एक मिनट रुकेगा सर, अगर आप बुरा ना माने सर प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। PNR नंबर 5689257860, योर इनविटेशन स्टेटस इज 53.5 एंड 54.5। सर मुबारक हो, छप्पन सर 5657 से RAC अभी 53.5 54 पे पहुंच गई है। साढ़े मतलब क्या, आधा पे यार, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, किसी के आने के चांसेस हाफ है, कोई है जो हाफ चांसेस है उसके आने के, इसलिए आपका 53.5 54 हो गया सर। अरे को नहीं जाना है वहाँ पे यार, हद की हो तुम लोग, वेटिंग में डाल रहे हो, शादी ट्रेन है क्या? ट्रेन में ऐसे लग रहा है होटल में घुस रहे, वेटिंग डाल रहे सर। एक चीज सर, और सर ये न्यू नॉर्मल है सर, अब ऐसा ही होगा। मैं आपको बोला था सर, गिफ्ट जरूर खरीद लीजिएगा भले आना हो या ना हो, है ना। अरे तुम हम अपने सतीश के, हम इतने दिन से जो है इतना कुछ किया उनके लिए, अभी हमको जो है बोल रहे हैं वेटिंग में डाल दिया, गिफ्ट चाहिए अपना, गिफ्ट लेंगे 53.5 54 साढ़े और पौने और सवा नहीं आएंगे वहां पे, और गिफ्ट जो है कि लेके आएंगे।
हेलो। हाँ विवेक जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं भैया। सुनिए विवेक, बोल रहा हूँ पीएनआर नंबर 5689257860 वाले आप ही हैं ना? कौन बोल रहे हैं आप? 53.5 पे आप आ गए, अटक गए आपका मामला। सुनिए एक आदमी से 1,000 रुपया लूंगा और मामला कंफर्म कर दूंगा। अरे वो यहाँ पे बार बार फोन करके परेशान किए जा रहे हो, नहीं आना इतनी शादी में। 1,000 रुपए में सर कंफर्म कर देगा आपकी टिकट सर, 1,000-2,000 रुपए में भाभी जी और आप आएंगे, पूरा शादी का लुत्फ उठाएंगे। बोलो हमारे घर पे है, 4,000 रुपए देंगे। नहीं आना, एसी वेटिंग लिस्ट लगा रहे हैं हम, एसी में टिकट कराए हैं, जाके कहीं राजधानी में घुमाएंगे, ट्रेन फ्लाइट से घुमाता आदमी 4,000-1,000 रुपए में। एक मिनट, इतना गुस्सा ना करें। सतीश जी के लड़के की शादी है, आप जरूर आ रहे हैं। सतीश जी ने कहा था कि आपसे थोड़ा मजाक करें, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे हम। अरे यार तुम कहने में आ गया। अरे आपके इतने अच्छे दोस्त है तभी तो आपको मुर्गा बनाने के लिए बोला, अदरवाइज थोड़ी ना बोलते। वो तो उसको बोल दिए थे शादी में ही, हमारा मुर्गा बना दिया था नॉन वेज आइटम। 93.5 Red FM, Welcome to New Normal. बजाते रहो भैया। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थान। हेलो। कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। आपने जो विकल्प चुना है वह दो है, अर्थात आप कोरोना की कॉलर ट्यून से बहुत संतुष्ट है। ओ भैया, भाई एक दबाया है। कोरोना की कॉल ट्यून को बदलने के लिए एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। आपने एक का विकल्प चुना है। हाँ। अपने विकल्प को कंफर्म करने के लिए एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। ना एक ही तीन बार होगा, एक दबाएं तो पूरा। भाई होता है, हम क्या करें बताइए, ऐसे हम लोग को भी करना पड़ता है ना, दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, आप ऐसे इरिटेट होंगे तो नहीं चलेगा ना। हेलो जी। भाई ये तो कौन? सर मैं वही बोल रहा हूँ जो अभी ऐसे आपसे बात कर रहा था ना, ये हमारी नॉर्मल आवाज है। ठीक है ना, दिक्कत क्या होती है कि हमें ऐसे करना पड़ता है, वो टोन में बात करनी पड़ती है। कई कई बार ऐसा होता है 1 से लेकर 9 तक हम बोलते हैं, ठीक है ना, फिर हमको बोलना पड़ता है मेन मेन्यू में जाने के लिए आप स्टार दबाए, लोग स्टार दबा देते हैं, फिर 1 से लेकर 9 तक हमें बोलना पड़ता है, दिक्कत होती है सर हमें बहुत। मतलब रिकॉर्ड नहीं होता ये बंदा बोल रहा होता है? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो हम आपकी कॉल ट्यून को बदलने की प्रक्रिया को आगे ले जा सकते हैं। सुना सर आपने? ये रिकॉर्डेड नहीं सर, लाइव होता, दिन भर बैठ के यही करते सर हम। और भाई मतलब कॉल आती है तो ये ऐसे यार तुम लोग ऐसे बना के बोलते हो? हाँ सर, बना करके बोलना पड़ता है, क्या करे सर, वो दिक्कत होती है ना। चलिए सर, अच्छी बातचीत बाद में करेंगे सर, लेकिन अभी प्रक्रिया को शुरू करते हैं, आगे चले सर। हाँ भाई हटानी यार कॉल ट्यून हो, मैंने एक दबा दिया है जी, उसके आगे ले रहे अब। अच्छा दोबारा दबाना पड़ेगा एक? नहीं दोबारा नहीं दबाना, उसके आगे का खेल जारी रखेंगे हम। अच्छा ठीक है, बताओ जी। तो कॉल ट्यून को बदलने के लिए आपने एक का विकल्प चुना है, इसे रिप्लेस करके हम आपकी एक फेवरेट गीत को आपका कॉल ट्यून बनाएंगे। कृपया अपना फेवरेट गाना गुनगुनाएं। गाना भाई फेवरेट सर, आप जल्दी कीजिए ना सर, आगे और 56 लोगों को कॉल करना है सर, जल्दी कीजिए थोड़ा। अरे भाई वो वाला भाई वो, हाँ। मन मस्त वो वाला लगा दो भाई। आपने जो विकल्प चुना है वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है, जरा रुकिए, आपकी नई कॉलर ट्यून होगी। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल। भाई ये कब आ गया यार गाने में? आँख नाक और मुंह को छूने से रुकें। ये इस वक्त बहुत जरूरी है, हमें खेद है, लगता है ये सिस्टम की गड़बड़ी थी, हम एक बार अरे भाई यार सिस्टम गड़बड़ी क्या, वो लगा दो गाना यार। आप क्या बोले थे, नॉर्मल? भाई वही वाला गाना लगा दो ना जो नॉर्मल लग रहा। नॉर्मल? हाँ सर नॉर्मल लगाते। एक मिनट रुके।
कोरोना वायरस को फैलने से ये थोड़ी लगाना है। यही विकल्प आपके फोन के लिए बेस्ट है। तू बता मुझे कौन सा विकल्प बेस्ट है हमारे फोन के लिए। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। मेन मेन्यू यार मेन मेन्यू क्यों जाऊंगा भाई मेरा। अन्यथा हैश दबाए। हेलो या फिर शून्य दबाए। भाई तू तो नॉर्मल बात कर सकता ना, तूने बताई थी वैसे बात कर ले। हाँ तो नॉर्मल बताइए सर क्या करना बताइए। भाई जो गाना मैंने बताया ना वो मन मस्त मगन वो वाला गाना लगा दो भाई। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। ले दबा दिया भाई। आपने गलत बटन दबाया है भाई। मेरे किस सारे और किसके साथ थोड़ी बन रहे हैं। हेलो अरे भाई साहब मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। यार आज कॉल इतनी मत करिए मैं बहुत डोंट गेट इरिटेटेड। ये आपकी भलाई के लिए रेड एफएम 93.5। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। दबाते रहो बजाते रहो। দাদা একটা অসুবিধায় পড়েছিলাম বলে আপনাকে ফোন করেছি। দাদা আমার ছোট ভাই আছে, ঠিক আছে, তার দাদা ওই কলেজে একটু মানে অ্যাডমিশন নিয়ে কথা বলার ছিল। দাদা আপনি আমি জানি মুখার্জি দা আমায় বলেছে আপনি আগেও এই কাজটা করিয়েছেন। হ্যাঁ আপনার দ্বারা পসিবল দাদা যদি কিছু বল। দাদা হ্যালো স্যার 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 মার্কস বেশি না পেতে পারি আমি করে নেবো। আমি আমি একবার অ্যাডমিশন পেয়ে গেলে আমি কিন্তু ভালো মার্কস পেয়ে যাবো। আমাকে একটু অ্যাডমিশনটা করিয়ে দিন স্যার। দাদা আমি আমি আমার 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 ছোট ভাইয়ের গ্যারান্টি নিচ্ছি দাদা আপনি যদি অ্যাডমিশন করিয়ে দেন। ঠিক আছে আমি যেটা বলছিলাম হয়ে যাবে কিন্তু একটা সমস্যা আছে মানে সমস্যাটা এরকম মানে না আমি ঠিক সমস্যার ব্যাপারে হ্যাঁ বুঝি বুঝি দাদা। হ্যাঁ কত কি পড়তে পারে দাদা যদি একটু বলেন। পড়বে লাখ খানেক তো পড়বে মানে মোটামুটি 1,00,000। ঠিক আছে 1,20,000-তে করবো আমি দেখছি। দাদা 1,20,000 একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না ভাই? অনার্স কি দরকার আছে নাকি তা বলে দাও। দেখো ভাই লাইনে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে ওটা কোনো ব্যাপার না বলে দাও সেটা আমাকে দাও কি আছে। ঠিক আছে টাইম থাকবে। না 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 দাদা শুনুন 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 দাদা 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 না দাদা আপনি ওরকম ভাববেন না। রাত্রিবেলা যখন বাবা আসবে। ঠিক আছে বাবাকে জিজ্ঞেস করে আমাকে জানাও। হ্যাঁ আমি আমি কথা বলি আমি কথা বাবার বাবার সঙ্গে একটু জিজ্ঞেস করে আমি আলোচনা করে আপনাকে জানাবো কিন্তু একটু সময় লাগতে পারে কারণ বাবার তো ডিউটি এরকম না বাবা পুলিশে তো বাবা মানে বাবা কিসে কি কাজ করে বাবা? বাবা পুলিশে দাদা। He has disconnected the phone. Wait a sec. হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ দাদা আপনি ফোনটা রেখে দিলেন। দাদা আপনি আপনি তো বললেন 1,20,000 টাকা অ্যাডমিশনটা হবে। আবি আপ পিছে কিউ আট গে দাদা উসকে ফটকে হাত মে আ গই হ্যায়। আই ডোন্ট থিংক সো দাদা ভাইয়ের কারিয়ারটা নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি বললেন তো আপনি 1,20,000 টাকায় করিয়ে দেবেন। স্যার প্লিজ স্যার স্যার আমার ভাই প্লিজ স্যার বাবাকে বলে দেবেন না করে দিলে এরা কারিয়ার তো গায়া ভাই।